गुलामा ने मदार उल आलमीन कमेटी जाकिर होटल के पास कटरा चौराहा अदारताल जबलपुर में जश्न मदार उल आलमीन का छठवां सालाना प्रोग्राम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें ख्वाजा सैयद मिसाबुल मुराद, सैयद मोहम्मद तौसीफ, मिसबाही सैयद मोहम्मद तारिक, सैयद मोहम्मद तशरीक, सुदा मकनपुर, उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान के मशहूर उलामे अलह सुन्नत सदाके मकनपुर शरीफ और सुराही इस्लाम व दानिशर हजरत ने शिरकत फरमाई एवं कमेटी के द्वारा जश्न मदार उल आलमीन पर तकरीरों का सिलसिला शुरू हुआ, जो सैकड़ों की तादाद मुस्लिम समाज के महिला व पुरुष बच्चों ने उलमाओं की। इस दौरे में ईमान एवं सुन्नियत के लिए सभी लोगों के बीच बातें रखी। बरूज जुमेरात, जाकिर होटल के पास मदार चौक आधार ताल में गुलामान मदारुल आलमीन कमेटी की जानिब से जश्न मदारुल आलमीन का इनेकाद किया गया, जिसमें जो कि हजरत सैयद तौसीक मियां मुंसिफ जाफरी मदारी की सरपरस्ती में अहतमान किया गया। इसमें हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमतों को बयान किया गया और हज़रत सैयद बदीउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन की खिदमतों को बयान किया गया और इसमें मज़हब इस्लाम के इतिहास को बताया गया और लोगों को, और जिसमें सफ़ीकुल कादरी साहब बम्बई तशरीफ़ फरमा हुए। गुलामान मदारुल आलमीन कमेटी इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस प्रोग्राम का मकसद है अहले बैत की मोहब्बत को दिलों में जगाना और सरकार मदार पाक की जो खिदमात है उनको सामने लाना, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हिंदुस्तान के बड़े ही मुअज्जज़ खुतबा और शोरा हिस्सा ले रहे हैं और बहुत बहुत ही कामयाबी के साथ मंजिलें तय कर रहा है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये कमेटी हर साल ये प्रोग्राम कराती रहेगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक इनको।